पंजाब विच कांग्रेस की सरकार आउण तों बाद जिथे अपने वादियां नूं पूरा ना कीते जाण नूं लै के लोकां दे निशाने ते है उत्थे ही कांग्रेस सरकार दे राज विच वड्डे वड्डे घपले भी सामने आ रहे हैं, जिन्हां विचों एक घपला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी सामने आ रहा है, जिस घपले के इल्जाम पंजाब कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसूत उपर लग रहे हैं, जिन्हां उपर इस मामले विच मासूम बच्चों के 64 करोड़ रुपए खाण के दोष लग रहे हैं, जिथे इस मामले में आम आदमी पार्टी के आगू नाभा विखे साधु सिंह धर्मसूत के घर के बाहर धरना लगाया जा रहा है, जिस विच पुलिस वालों आप आगुओं उपर परचे दर्ज कर दिए गए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के आगू नाभा विखे साधु सिंह धर्मसूत के घर के बाहर धरना लगा रहे सन, जिस विच पुलिस वालों आप आगुओं उपर परचे दर्ज कर दिए गए हैं। इस टाइम असी खड़े हाँ रिहासती शहर नाभा विखे, जिथे कि 64 करोड़ रुपए का जोड़ा मामला लगातार सुर्खियां फड़ता जा रहा है, गरमा जा रहा है। उस दे तहत आम आदमी पार्टी नाभा वालों जोड़ा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, उस दे तहत जोड़ा पंजाब पुलिस वालों नाभा के प्रशासन वालों जोड़ा मामला वो दर्ज किया गया, परचे जोड़े ने आम आदमी पार्टी के जोड़े वलंटीयर ने उन्होंने पाए गए हैं। उस दे विच आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज देव मान, चेतन सिंह जौड़े माजरा, राजवंत नीना मित्तल, जस्सी सोइया, नरेंद्र शर्मा, ज्ञान मुंगो, उस तो अलावा 35 अणपछाने जिहड़े व्यक्ति ने उन्हां दे खिलाफ आ जिहड़ा मामला धारा 188 अते धारा 269 तहत जिहड़े मामले ने वह दर्ज किए गए ने। पंजाब पुलिस वालों लगातार जिहड़ा धरनाकारियां दे जिहड़ा समझाउण की कोशिश की जा रही थी, पर करफ्यू के दरम्यान भी लगातार जिहड़ा धरना जारी रहा, देर रात तक धरना जारी रहा, इस समय भी धरना जिहड़ा लगातार जारी है। हो सकता कि परचे पाउण तों बाद जिहड़ी पंजाब पुलिस है ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਲੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਐਸ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।